जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV पर, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पटरी पर गिरे पेड़ से टकराई ट्रेन, लोको पायलट घायल, सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत, पूर्व नक्सली की हत्या। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पटरी पर गिरे पेड़ से टकराई ट्रेन, लोको पायलट घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक यात्री ट्रेन शुक्रवार तड़के पटरी पर गिरे पेड़ से टकरा गई। ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया और लोको पायलट को हल्की चोट आई। अधिकारियों ने बताया कि कांकेर में एक यात्री ट्रेन गुदुम और भानुप्रतापपुर गांव के बीच पटरी पर गिरे पेड़ से टकरा गई, जिससे उसकी इंजन के सामने के दो पहिए पटरी से उतर गए और लोको पायलट को हल्की चोट आई। अधिकारियों के मुताबिक घटना के समय ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था। दल्लीराजहरा से आतंगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तड़के 3:25 बजे दल्लीराजहरा से रवाना हुई थी और जब वह गुदुम से भानुप्रतापपुर गांव के बीच पहुंची तब पटरी पर गिरे एक पेड़ से टकरा गई। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के अफजलगढ़ इलाके में शुक्रवार को सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। आसफाबाद से बरेली के गांव पनवाड़िया से 30 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए दो पहिया वाहनों से गुजर रहा था, तभी जत्थे की एक बाइक अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा कर एक स्कूटी पर गिर गई। दुर्घटना में बाइक और स्कूटी सवार चार कांवड़ियों घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने शिवम और अखिलेश को मृत घोषित कर दिया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व नक्सली की हत्या। गढ़चिरौली जिले के भामरगढ़ तहसील के ग्राम आरेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने पुराने सहयोगी जयराम कोमिटी गावड़े की गुरुवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का मुखबिर होने के संदेह में उसकी हत्या करने की आशंका जताई गई है। यह घटना शुक्रवार की सुबह उजागर हुई। हथियारधारी कुछ नक्सली गुरुवार की रात ग्राम आरेवाड़ा पहुंचकर जयराम गावड़े को घर से उठाकर गांव से बाहर ले गए। कुछ देर बाद नक्सलियों ने गांव के समीप स्वास्थ्य केंद्र के पास गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग गए। जयराम गावड़े 2007 में नक्सली आंदोलन में शामिल हुआ था। वह दलम में जग्गू उर्फ जयराम के नाम से जाना जाता था। जयराम गावड़े प्लाटून क्रमांक 14 ACM का सदस्य था। 2007 से 2017 तक वह नक्सली दलम में सक्रिय था। 2017 में चार सदस्यों के साथ जयराम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने जयराम पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आत्मसमर्पण के बाद वह अपने परिवार के साथ ग्राम आरेवाड़ा में रहता था। उसके परिवार में पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों, ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।